हाँ मास्टर, अरे हाँ कौन? तो हाँ टीएलसी से बोल रहा हूँ, एचकेएल से। नमस्कार, हाँ नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हैं आप? एचकेएल सर बोल रहा हूँ मास्टर। अच्छा ठीक, बोलिए भैया। क्या नहीं जा पाओगे यार वो? देखिए भैया, 12.5 घंटा नौकरी हो गया, इतना हेवी गर्मी है, G9 पावर है, बताइए कैसे क्या कह सकते हैं, बताइए आप। नहीं वो क्या थ्रू तो था ही भाई, अब चले जा रहे थे थ्रू यही नहीं था, डिस्कशन था ऑन अप्रोच मिला, तो ऑन होम अप्रोच मिले तो पर। थ्रू। सुनिए, होम पर हमारा गाड़ी खड़ा था, होम पर हमारा गाड़ी आउटसाइड खड़ा था 14:45 से 15:07 तक। इसके बाद यहाँ आया तब जाकर के मिला। हेलो, हाँ बोलिए। एक स्टेशन का बात था मास्टर, पहुंच जाते। ना ना, बात एक दो स्टेशन का नहीं है, रोज का यही कहानी है। अब भैया हम तो कामे करने के लिए तो घर से निकले हुए हैं, बताइए अब इतना आवर्स में कोई काम नहीं ले पा रहा है, तो इसमें आपका और मेरा कोई दोष नहीं है, बताइए। आपका दोष है ना मेरा देश है? नहीं दोष वोष किसी का नाम का नहीं है दादा, लेकिन अब क्या करें, एक स्टेशन का बात है। हम कहाँ कह रहे हैं कि एक स्टेशन का बात नहीं है, लेकिन आप ही बताइए कि मैंने कितना ड्यूटी करे हम लोग, आप बताइए। केवल एक आदमी के ड्यूटी करने से रेल नहीं ना चल जाएगा? रेलवे का सारा डिपार्टमेंट काम करेगा, इतना तब तो होगा, सब लोग काम कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो कि एक आप ही कहाँ कर रहे हैं भैया, कहाँ कर रहे हैं भैया, ऑफिस में जाके देखिए। सिर्फ ड्राइवर से ही काम चला, ऑफिस का बात ही छोड़ दो ना भाई, ऑफिस से क्या बात है। वो रेल से बाहर थोड़े है भैया, रेलवे तो काम तो काम रेल भी करते हैं। रेल तो रेल जो है इसी से तो उसको भी पैसा पेड कर रही है। पैसा पेड कर रहे तो काम तो वो भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं बैठे बैठे कहाँ काम कर रहे हैं भैया, देखिए ना जाके। 12 बजे लेट नहीं, 1 बजे भेंट नहीं वाला कहानी है। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, अब कितना घंटा ही बताइए। हम तो सोच रहे हैं हमको कोई लिख करके दे दे कि आपको इतना घंटा ड्यूटी करना है, इसके बाद आपको कोई नहीं पूछेगा, 15 घंटा, 20 घंटा जो भी हो, एगो लिख करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, केवल पर्सनली हमको। आप जो भी लिख देंगे ना, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा खुशी खुशी। अब मैं उतना घंटा ड्यूटी करूंगा, मैं कहीं भी रहूंगा तो। मैं इधर से गया तो भी 11 घंटा हो गया, वहाँ गए हम लोग 12-13 घंटा रनिंग रूम में सोए, और खाना वैसे मिल रहा है, बना दे रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 बार तो मेरा लेटिन हो गया है, 4 बार मास्टर से पूछ लीजिए। अब पानी नहीं है हम लोग के पास, ये आईबी पर गेट पर आउटसाइड खाली गाड़ी खड़ा हो रहा है। हम लोग का चापा में ही समय हो गया था, इसके बावजूद भी वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आपको सूचना भी दिए थे कि भैया इतना आवर्स हो गया, इसको चलवा दीजिए। बालपुर में मैं चला ही रहा था भाई, ऑन अप्रोच किया गया थोड़ा मैं। कहाँ चला रहा है भैया, कम से कम मान लीजिए आप लोग वहाँ पर है तो ध्यान देना चाहिए ना कि किसका लॉन्ग आवर हो रहा है। सबका ध्यान है दादा, ऐसा नहीं है, हमारा भी रेलवे से प्रेम है, ये राष्ट्र की जीवन रेखा है, हमको भी रेलवे से प्रेम है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका व्हील मूवमेंट रुके, मैं भी चाहता हूँ कि गाड़ी चले। गाड़ी चलेगा तो उसमें सबको फायदा है, हमको पर्सनली खुद फायदा है, रेल का, देश का, समाज का, सबको फायदा है भैया। लेकिन ये लोग काम नहीं ले पा रहे हैं तो बताइए, तो वही चीज इशू करवा देते, लीक करके कोई दे देता कि 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा कितना ड्यूटी करना है, उसके हिसाब से अपना प्रिपेयर हो जाते, बताइए। आप सोच सकते हैं हम लोग का कितना बजे फोन किया होगा, 2:45 राइट टाइम ऑन ड्यूटी हम लोग किया, आने के साथ गाड़ी मिल गया, इसके बाद कैसे कैसे झेलते झेलते आ रहे हैं, पूरा दिन का धूप खा लिए, अब पूरा चेहरा पर धूप धूप मार रहा है, बताइए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई गतोरा में खड़ा करोगे तो धूप खत्म हो जाएगा? धूप खत्म नहीं हो जाएगा, आप आराम मिलेगा ना? ना ना, बात एक दिन का नहीं है ना, बात एक दिन का नहीं है। रोज एक दिन का नहीं है तो रोज होता भी नहीं है 12-14 घंटा ड्यूटी? ना ना, हम तो हमेशा देख रहे हैं। हमेशा कैसे होता है? आए दिन रोज रोज होगा, आए दिन, मतलब आज मेरा हो रहा है, कल उसका हो रहा है, परसों उसका हो रहा है। नहीं आपका बात करो ना भाई, उसका उसका क्या, कोई ना कोई गाड़ी तो होगा ही होगा तो है ना। फिर बात वही आ गया ना, फिर वही बात आ गया ना, आप बोल रहे हैं कि सुनिए ना, मैं इसको लिख के भिजवा दे रहा हूँ, ऑर्डर नंबर, सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, एक स्टेशन है, प्रोसीड करके लिख के भिजवा दे रहा हूँ भाई, उससे तो क्या कर सकता हूँ मैं, है ना। ना तो ये बताइए, तो यही सब आप लिख के भेज दीजिए कि कुछ अबनॉर्मलिटी होता है, स्पॉइड होता है, कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेदार प्रशासन लिखवा के भेज दीजिए या दे दीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। वो तो आपको मेमो देना है दादा, कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं मेमो दे दिया हूँ भैया, मैं मेमो दे दिया हूँ भैया, मैं जानकारी दे दिया,
गौतौरा में नहीं, वो चापा में दे दिया हूँ। बालपुर में जा रहा था तो बोले कि मास्टर जरूरत नहीं है, मैं रिपीट कर दिया, चापा में दे दिया हूँ। हम कहाँ कह रहे हैं, गाड़ी ले जाइए, हमको छोड़ दीजिए। क्या जी? गाड़ी ले जाइए आप, हमको छोड़ दीजिए, हमको रिलीफ कर दीजिए।